हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी फ़ोन है तो रियलमी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में VPN सेटिंग है तो VPN सेटिंग को आप सेट कैसे कर सकते हैं रियलमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप कर लेना है। स्वाइप करते ही और आइकन ओपन आएंगे, जहाँ से आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन आएगी। फिर हमारे फ़ोन में ब्लूटूथ VPN सेटिंग है। तो VPN सेटिंग को सेट कैसे करेंगे, सिंपल आपको यहाँ सर्च कर लेना है। यहाँ पर लिखना है VPN, शायद हमारा गलत हो गया, हम दोबारा लिखते हैं VPN। तो यहाँ पर VPN सेटिंग हमारी शो हो जाएगी। यहाँ से आप VPN सेटिंग को आप सेट कर सकते हैं सिंपली। यहाँ से आप प्लस पे जाते हैं तो यहाँ से अपना खुद का VPN बना सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ से नेम वगैरह टाइप करके VPN टाइप बना सकते हैं, सर्वर एड्रेस या IPC या IPC सर्टिफिकेट पासवर्ड वगैरह लिख के अपना सर्वर VPN सेटिंग बना सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप VPN सेटिंग को सेट कर सकते हैं। और साथ में जैसे आपको ऑप्शन नहीं मिलता है VPN का, तो सिंपल आप फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर भी VPN सेटिंग को आप सेट कर सकते हैं। सिंपली जैसे फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ओपन आएंगे, जहाँ से आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। तो फ़ोन की सेटिंग्स तरीके से ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ओपन हो गई है। तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है VPN का, आप देखते हैं, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। कनेक्शन शेयरिंग पे क्लिक करते ही कनेक्शन शेयरिंग सेटिंग ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप अपना खुद का VPN बना के VPN सेटिंग को सेट कर सकते हैं। सैंपल देख सकते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर VPN सेटिंग शो हो जाएगी, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप VPN सेटिंग को सेट कर सकते हैं। आप प्राइवेट DNS सेटिंग सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर आप VPN सेटिंग को VPN बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने रियलमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।